अल्लाक बहुत ही नजरा था दिस इज मॉन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर एफक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटी सो एज वी नो कि हमारी एंजाइम की बात कमिस्ट्री सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे एंड वी आर टुडे ऑन दिस फैक्टर्स दैट इफेक्ट इन्जैम्स एक्टिविटी लेकिन आई होप सो कि आप लोग ये पूरी सीरीज़ फॉलो करते हुए आ रहे हैं ताकि बिकॉज आपको इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी सारी आसानी हो बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि पिछले लेक्चर से लिंक होंगी पिछले कॉन्सेप्ट से लिंक होंगी तो अगर आपने वो देखा है अगर आपको वो कन्फर्म है वो क्लियर है

डी एक्स और डी टी ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस बायोलॉजिकल रिएक्शंस ये इस एंज़ाम की एक्टिविटी है अब ऐसे फैक्टर्स या ऐसी चीज़ें जो कि इसके रेट को इफेक्ट करती हैं यानी आया तो कम करती हैं या आया तो ज़्यादा करती हैं मतलब के इन शॉर्ट के उसमें चेंज लेके आती हैं दिस चेंज कैन भी पॉजिटिव दिस चेंज कैन भी नेगेटिव अब हम लोगों ने क्या करना है हम लोगों ने इस वीडियो में उन तमाम फैक्टर्स को तमाम तो नहीं डिस्कस कर सकते बिकॉज एज वी नो के साइंस में कुछ भी तमाम नहीं होता लेकिन वी विल ट्राई दैट के एज मच एज वी कैन हम लोग उन फैक्टर्स को डिस्कस करें जो आपके एंजाइम की एक्टिविटी पर असर होते हैं एंड प्लस वी आर आल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट के वो जो उनका इफेक्ट है उसकी क्या फंडामेंटल मतलब कि उसके पीछे की बैकग्राउंड साइंस क्या है तो आइए बगैर किसी देर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट ऑल द फैक्टर्स दैट हैव द पोटेंशियल टू इफेक्ट इन्जैम्स एक्टिविटी राइट सो लेट मी राइट द नेम ऑफ ऑल ऑफ दम सही अच्छा तो बेसिकली हम लोग फैक्टर को हम लोग दो ग्रुप्स में आप इन फैक्टर को डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आर द मेन फैक्टर्स मेन फैक्टर आपके पास तीन है फर्स्ट ऑफ ऑल सबस्टेट कंसनट्रेशन सबस्टेट कंसंट्रेशन जिसको हम लोग uh, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एस से शो करेंगे बिकॉज आपको पता है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इट मीन कंसेंट्रेशन इन केमिस्ट्री ठीक है और ये जो एस है देन वी हैव ठीक है एंड देन वी हैव एग्जैक्टली द थर्ड वन इज ये वो तीन मेजर फैक्टर हैं मेन फैक्टर हैं जो कि आपके एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं अलॉन्ग मेन फैक्टर वी हैव अदर फैक्टर्स आल्सो Factors. उसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ इंजाइम मतलब कि इंजाम की अपनी कंसंट्रेशन क्या उसके रेट इफेक्ट करेगी एग्जैक्टली exactly, करेगी ठीक है देन एट द सेकंड वी हैव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि उस सब्सट्रेट से जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी इंजाम के रेट को इफेक्ट कर सकता है आपने फीडबैक एनिबिशन का नाम सुना होगा तो वो आपके पास जो फीडबैक इनिबिशन है उसमें जो जो आपके पास प्रोडक्ट है वही एक इनहिबिटर का, का काम करता है इन शॉर्ट वही जो है वो उस इंजाम के रेट को कम करता है राइट right? अच्छा देन वी हैव मॉड्यूलेटर्स मॉड्यूलेटर्स यानी के एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स राइट सो दीज आर ऑलमोस्ट ऑल द सिक्स फैक्टर्स वी हैव दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अच्छा मैंने यहां पर क्लासिफिकेशन के लिए इनको सेपरेट रख दिया लेकिन जो सीक्वेंस हम लोग इनको स्टडी करेंगे वो ऐसा नहीं होगा हम लोग मिक्स से स्टडी करेंगे मतलब कि ईच ऑफ देम इज गोइंग टू बी स्टडीड सेपरेटली बट ये जो सीक्वेंस है सबस्टेट कंसेंट्रेशन का इफेक्ट फिर टेम्परेचर फिर पी ऐसा नहीं होगा सो भाई वन बाय वन देखते हैं कि ये जो फैक्टर्स है किस तरह से आपके इंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वो लैक टू टॉक अबाउट इंजाइम कंसेंट्रेशन

मतलब जितनी कोई भी सबस्टेट कंसेंट्रेशन हो बिकॉज रेट को दो चीजें इफेक्ट कर सकती मेजरली या तो सबस्ट्रेट या तो एनजाम ना बिकॉज ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तभी तो जाके रिएक्शन होता है ना तभी जाके जो सबस्टेट है ये प्रोडक्ट में बनता है सो यानी कि एंजाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस सबस्टेट कंसंट्रेशन एंड ये जो आपके पास रिलेशन है ये थ्रू आउट देखेंगे मतलब जब जब आप एंजाइम की जो है वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तब तब रेट ने इंक्रीज होना है अच्छा अब अगर हम लोग ग्राफ की बात करें कि अगर हम लोग एक तरफ वाई एक्सेस में रेट को रखें सो अगर वाई एक्सेज में आप रखें रेट को डी एक्स और डी टी और पर रखें आप एंजाइम एंजामेशन को तो आपको एग्जैक्टली एग्जैक्ट नाइंटी डिग्री का प्लॉट देखने को मिलेगा दिस इज डिग्री एंड दिस एंगल इज फोर्टी फाइव डिग्री सो दिस प्लॉट इज यू दैट कि जिस जिस तरह से आप एंजाम की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे उस उस तरह से आपका जो रेट है वो भी इंक्रीज होगा देखिए इसकी पीछे की साइंस क्या है जाहिर सी बात है देखें आ, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि चार एग्जाम्स थे और वो जो चार एग्जाम्स थे वो एक सेकंड में बारह सबस्टेट्स को आ, उनके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते थे ठीक है अगर सपोज कीजिए कि अब आप उनकी कंसनट्रेशन को डबल कर रहे हैं अब आप उनकी कंसनट्रेशन को डबल कर रहे हैं आप चार से आठ तक लेके जा रहे हैं तो अगर पहले चार जो है एक सेकंड में बारह प्रोडक्ट्स जनरेट करते थे तो आठ कितने करेंगे एग्जैक्टली exactly. टाइम वही है लेकिन अब सबस्टेट की कंसनट्रेशन भी डबल हो गई यानी कि आपने ई को डबल किया एग्जाम की कंसनट्रेशन को डबल किया और जो रेट है बिकॉज रेट क्या है रेट इज आदर ऑफ प्रोडक्ट और डिस रिएक्टेंट ठीक है तो अपेरेंस ऑफ प्रोडक्ट तो यानी कि अगर प्रोडक्ट की अपेयरेंस इंक्रीज हो रही है मतलब कि रेट इंक्रीज हो रहा है सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसेंट्रेशन ऑन योर रिएक्शन रेट अब आइए बात करते हैं कि जो आपके पास सब्स्टेट की कंसेंट्रेशन है वो क्या इफेक्ट करती है बिकॉज इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन टू टॉक अबाउट बिकॉज ये समझना थोड़ा सा सबस्टेट कंसेंट्रेशन ओके सो इफ यू टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ सबस्टेट कंसेंट्रेशन ऑन इन्जाम एक्टिविटी या ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन तो अगर आपको मेंटेन की uh, वो जो आपकी स्टडी थी वो याद हो तो वो जो प्लॉट था वो भी तो यही था ना कि रेट आपके पास वाई एक्सिस में था और सबस्टेट की कंसेंट्रेशन एग्जैक्टली exactly आपके पास एक्स एक्सिस में थी राइट देयर फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास एक्स एक्सिस है तो ये आपके पास थी सबस्टेट कंसेंट्रेशन जीरो और यहां पर आपके पास वेलोसिटी यानी डी uh, एक्स और डी टी यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन तो अगर आपको याद हो तो जितने भी आपके पास नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम थे नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम उनका ये प्लॉट था हाइपरबोलिक मतलब समथिंग लाइक दैट यू और जितने भी एलोस्टेरिक एंजाइम्स थे जितने भी एलोस्टेरिक एंजाम उनका प्लॉट सिग था लाइक समथिंग लाइक दैट समथिंग लाइक दैट यू दिस हाइपर दिस हाइपर इज नॉन एलोस्टेरिक का मतलब कि नॉन एलोस्टेरिक की आपके पास दिस रिलेशनशिप और एलोस्टेरिक एग्जाम का दिस सिग अब आइए समझते हैं ऐसा होता क्यों है बेसिकली अच्छा इस वक्त हम लोग सिर्फ सिर्फ इस नॉन एलोस्टेरिक को समझ रहे हैं बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द केस में आप लोग जो फैक्टर को स्टडी करते हैं वो एक एग्जाम को नॉन एलोस्टेरिक कंसिडर करके करते हैं बिकॉज जो आपके पास एलोस्टेरिसिटी है वो बहुत डिफरेंट किस्म के, के और मतलब कि उसमें बहुत सारे जनरेट ऐसे आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द एलोस्टेरिसिटी एंड कोऑपरेटिविटी जिसको टैकल करना एक आम उसमें नहीं होता तो वी आर डिस्कसिंग दिस हाइपरबोलिक कर्व देखें अगर हम लोग इसको यहाँ से इरेज करते हैं बिकॉज वी डोंट नीड दिस कर्व ओके राइट तो इस वक्त में इसका जो ग्राफ है मतलब कि ये जो रिलेशन है अभी हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं किया कि सबस्टेट का इफेक्ट क्या है हम लोग थोड़ा सा थोड़ी सी जनरल बात कर रहे हैं ठीक है अच्छा अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें इस इस रिलेशन को देखें बिकॉज ये जो आपको इस ग्राफ है ये रिलेशन बता रहे है कि इस सबस्टेट की कंसनट्रेशन का और एग्जाम की एक्टिविटी या ए के ए रेट ऑफ रिएक्शन का आपस में क्या है तो देखें इस हाइपरबॉलिक का ना तो अगर हम लोग इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर दें एक तो ये है जहाँ पर ये जो आपके पास ग्राफ है ये ऑलमोस्ट लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है दिस। और एक है ये प्लटू फेज आप लोग मेरी वीडियो देख के आ चुके हैं ताकि आपको ये जो दो फेजेस हैं वो सही से समझ आए अच्छा अगर आपको याद हो ठीक है तो ये जो इनिशियल फेज है दिस लीनियर वन मतलब जब आप सबस्टेट की मतलब कि वो फेज जिसमें सबस्टेट की कंसेंट्रेशन का रिएक्शन के रेट के ऊपर डायरेक्ट रिलेशन है मतलब कि दिस फेज पर वो लीनियरली जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है वेन यू इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्टेट सो दिस इज नॉन एज योर फर्स्ट ऑर्डर इफ यू रिमेंबर फर्स्ट ऑर्डर ठीक है और ये जो है ये आपकी जीरो ऑर्डर एकेटिक्स है जीरो ऑर्डर अच्छा देखिए ऐसा होता क्यों है लेट्स है कि फॉर एग्जाम्पल अच्छा हम लोगों ने सबस्टेट की कंसेंट्रेशन को चेंज किया ना लेकिन जो आपके पास इंज़ाम है वो तो कॉन्स्टेंट होता है ना लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपके पास है चार इन्जैम चार इन्जाम है अगेन फोर इन्जाम अच्छा अब आप सबस्टेट की कंसनट्रेशन बढ़ा रहे हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट uh, के ऊपर आपके पास थे ट्वेंटी सबस्टेट ठीक है यहाँ पर थे आपके पास फोर्टी एंड सो ऑन यू आर गोइंग टू इंक्रीज दैट और ये जो एक इन्ज़ैम है ये एट अ टाइम

फ्लैट लाइन है दिस दिस इज शोइंग यू द ऑफ ओके सो यहां तक हमको ये बात समझ कि आपके पास जो सबस्टेट का इफेक्ट है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन वो आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स uh, का है फर्स्ट व्हेन द रिएक्शन इज इन फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स अच्छा फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर जो है ऑर्डर मींस दैट के देखिये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन होते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का मतलब यह है कि जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है ठीक है मतलब कि जो आपके पास रेट रिएक्शन uh, का रेट है वो एक मॉलिक्यूल की कंसनट्रेशन को डिपेंड कर रहा है सबस्टेट की एंजाइम तो कांस्टेंट है और जीरो ऑर्डर का मतलब यह है कि अब आप जितना भी जितना भी आप सबस्टेट डालें अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नहीं वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा कि उस मॉलिक्यूल की कंसनट्रेशन क्या है बिकॉज अब यहाँ पर इस 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 फेज के ऊपर जितने भी एंजाइम हैं दे आर सेचुरेटेड दे आर ओकोपार्ड नाउ इट ज नॉट मैटर कि आप जो है वो सबस्टेट की कंसेंट्रेशन जितनी इंक्रीज करें रेट वैसा ही रहना है ठीक है अच्छा तो यहां पर फर्स्ट uh, ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के आपके पास दो रिलेशन है फर्स्ट ऑर्डर में एज यू कैन सी जिस तरह से आप लोग सबस्टेट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं फर्स्ट uh, ऑर्डर तो इसमें जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है ठीक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्टेट और जीरो ऑर्डर के अंदर जीरो ऑर्डर उसमें जो आपके पास रेट uh, है सॉरी डी एक्स ऑवर डी टी इज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ ऑफ सॉरी अच्छा अब ये तो हम लोगों ने लिख लिया लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करना है आम जुबान के अंदर बेसिकली इसमें हुआ क्या फर्स्ट ऑर्डर के अंदर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड इन जीरो ऑर्डर आपके पास जो है वो रेट है इट इज इंडिपेंडेंट कि आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो कितना है देखें अब आप एक्सप्लेन ये करेंगे कि जिस जिस तरह से आप सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे ठीक है तो जो रेट है वो इंक्रीज होगा लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब जितने भी इंजाम है वो सब ऑकुपाइड होंगे सेचुरेटेड होंगे saturated का मतलब है कि वो ऑक्युपाइड है उनको uh, मतलब कि वो के साथ ऑलरेडी बाइंड है डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंजाइम का इफेक्ट ऑन एंजाइम्स रेट सो ये बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन ऑन एंजाइम्स एक्टिविटी सो अगर हम लोग प्रोडक्ट का इफेक्ट देखें मतलब कि की का देखे rate, तो एक बात याद केसेस ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देशन ऑफ योर प्रोडक्ट मतलब का रेट है वो भी उतना, उतना होगा. अब इसके पीछे का नहीं है कि क्या नॉन एलोस्टेरिक में भी एज फार एज ने दो किसम मतलब के एम होते हैं एलोस्टेरिक एंड एग्जैक्टली नॉन एलोस्टेरिक एलोस्टेरिक के के केस अंदर जो आपके पास प्रोडक्ट है वो आपके सबस्टेट की जो एक्टिव साइड होती है मतलब कि जो आपके की एक्टिव होती है पर जाके ने बाउंड करना होता है वो वहां पर डिपॉजिट होना शुरू होते हैं और सबस्टेट को अंदर आने से रोकते हैं और जब सबस्टेट अंदर नहीं आएगा तो एग्जैक्टली जो आपके पास रेट है वो डिक्रीज करेगा सो एलोस्टेरिक केस के अंदर जो आपके पास प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है ठीक है इट इज

नॉन के केस में और अगर रिलेशन हुआ तो वो इनवर्स रिलेशन होगा अच्छा अब आइए बात करते हैं कि जो आपके पास टेम्परेचर है हाउ इट इज इफेक्टिंग ऑन योर इंजाम्स एक्टिविटी ओके सो नो लेट वी हैव टू इरेज दिस स्क्वायर ब्रेक बिकॉज टेम्परेचर की कोई कंसेंट्रेशन नहीं होती इट्स कंसेंट्रेशन ऑफ हीटरेचर ओके सो the rate of a reaction is directly proportional to temperature temperature until denaturation until denaturation मीन्स दैट के जो आपके पास रिएक्शन का रेट है बिकॉज याद रखें कि यह हम लोग इन्जैमेटिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं मतलब कि दिस रिएक्शन इन्वॉल्व इन बिकॉज देर इज अ वट वी आर गोइंग टू वी आर स्टडिंग एट द मोमेंट फैक्टर इफेक्टिंग ऑन इन्जाइम्स एक्टिविटी इन्जाइम का रेट ऑफ रिएक्शन ना तो देखें आ, जो आपके पास रिएक्शन का रेट है अगर नॉन एंजाइमेटिक की बात एंजाइमेटिक रिएक्शन तो, तो ये है, देखें, अगर आपको पता हो, तो आपको ये भी पता होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली अप्रोपोर्शन होती है विदरेचर मतलब मोर विल बी योर काइनेटिक एनर्जी और जितनी ज्यादा आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा जो कोलिजन है वो भी उतना ज्यादा होगा और जितना ज्यादा कोलिजन होगा तो एक्जैक्टली exactly अगर वो जो मोलिक्यूल है वो ज, वो स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे फास्ट में मतलब कि बहुत स्पीड के साथ तो उनके जो रिएक्ट करने के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे आई होप सो कि आपको वो कोलिजन थ्योरी याद हो कोलिजन थ्योरी कोलिजन थ्योरी लेकिन एंजाइम के केस में ऐसा नहीं होता एंजाइम के केस में ऐसा होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर तक एंजाइम सॉरी थ्योरी अच्छा सो लेट इस अंडरस्टैंड के वाई इट इज द इन्जैम मतलब के इंजाम के केस के अंदर की जो रिलेशन है ये सिर्फ मतलब के डी नेचुरेशन तक ही महदूद क्यों है और डी नेचुरेशन इट्स सेल्फ है क्या देखें लेट्स है आपके पास ये इंजैम है ना मतलब के लेट मी ड्रो दिस इज एन इंजैम ठीक है और ये इसका सब है ठीक है अच्छा जिस तरह से आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ठीक है नीशली मतलब कि अगर ग्राफ फ्लॉट करें इसका ठीक है सो लेट से यहाँ पर हमारे पास जो है वो विलासिटी है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन है ठीक है और यहाँ पर आपके पास सब की सॉरी oh आपके पास टेम्परेचर है ठीक अच्छा विलॉसिटी मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज इट्स दे बोथ आर सेम मतलब कि विलॉसिटी ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर एग्जैक्टली सेम अच्छा इनिशियली होता ये है कि जो आपके पास uh, आप जिस तरह से टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे जो आपके पास विलॉसिटी uh, है रिएक्शन की वो भी इंक्रीज़ होगी ठीक है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ठीक है और Uh, जब एक खास पॉइंट के बाद आप उस टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो वापस से डिक्रीज होता जाएगा बिकॉज यहां पर इस एंजाइम की डी हो रही है बिकॉज याद रखें कि दिस एंजाइम इज बेसिकली प्रोटीन ना दिस इज वॉट दिस इज अ प्रोटीन मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्टेंट uh, आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो एंजाइम की बॉन्ड्स हैं जो वीक है हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन वो भी तो इफेक्ट होगी वो भी तो टूटेंगी और अगर वो टूटेंगी तो इंजाम का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ेगा और स्ट्रक्चर के बिगड़ने को ही आप लोग डीनेचुरेशन कहेंगे तो आपके पास एक बात याद रखिएगा कि हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम टेंपरेचर यानी के एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वो एंजाइम मोस्ट एफिशिएंट होता है मोस्ट एफिशिएंट यानी कि जिस टेम्परेचर के ऊपर उस एंजाइम का रेट मैक्सिमम हो मैक्स रेट क्या आप लोग इस प्लॉट में बता सकते हैं कि वो कौन सा पॉइंट जहां पर इस uh, इस uh, एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है एग्जैक्टली दिस वन इस पॉइंट के ऊपर जो भी आपके पास टेम्परेचर होगा किसी भी एग्जाम का वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा बिकॉज द मोर यू इंक्रीज द टेम्परेचर फिर आपके पास उस एंजाम की जो है वो डी नेचुरेशन शुरू हो जाएगी और अगर डी नेचुरेशन शुरू हो गई तो वो एग्जाम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा अच्छा अगर के केस के अंदर बात करें हुमेन के अंदर तो जितने भी इंजाम होते हैं जितने भी इन्गाम्स होते हैं मोस्टली दे आर एक्टिव अराउंड थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि ये इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है ऑप्टिमम और अब फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो डी नेचर होना शुरू हो जाते हैं डी नेचर राइट सो इट मीनस दैट के द रेट ऑफ रिएक्शन और द विलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अनटिल द डी नेचरे मतलब कि ये वो पॉइंट है जहां से आगे डी स्टार्ट होती है अच्छा अब लाजमी नहीं है कि हर इंजाम जो है फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड के बाद डी होना शुरू हो जाए आपने अगर पीसीआर के बारे में सुना हो या अगर आपने पोलीमरेज या रिएक्शन पढ़ा हो तो आपने एक एंजाम का नाम सुना होगा जिसको आप लोग टैक पोलीमरेज कहते हैं टैक पोली मरेज नाउ दिस दिसक मीन टी ए मीन थर्मस सॉरी टी मीन थर्मस एंड ए क्यू मीनस ये खास किस्म का डेने पोलीमरेज इंजाम है जो कि एक खास किस्म के बैक्टीरिया जिसको आप लोग थर्मस एक्वाइटिकस कहते हैं जो कि अराउंड हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नॉर्मली रहता है और इस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर 98 डिग्री सेंटीग्रेड है मतलब कि इस टेम्पेचर के ऊपर जिसके ऊपर पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है ये एंजाइम अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होता है यानी ऑप्टिमम एक्टिविटी पे होता है यानी कि इसकी डिनेजरेशन अराउंड शायद वन पे स्टार्ट होती हो, वन डिग्री सेंटीग्रेड सो मीन्स डैट के एज फार एज दिस ऑप्टीमसिटी इज कंसर्ट वी हैव डिफरेंट वैराटी ऑफ टाइम्स ये था आपके पास टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन इन शॉर्ट इंजाम एक्टिविटी का रिलेशन अब ये बात करते हैं पी एच के बारे में सो so अब ये बात करते हैं पी एच के इफेक्ट के ऊपर यानी कि पी एच किसी भी इंजाम की एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है तो एज फार एज दिस इफेक्ट इज कंसर्ट तो इसके दरमियान मतलब कि पी एच और uh, इंजाम के रेट के दरमियान कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ठीक है लेकिन आपने एक बात याद रखी है कि हर इंजाम का एवरी इंजाम एवरी इंजाम हैज इट्स ऑप्टिम पी एच इट्स ऑप्टिम पी एच इसका मतलब यह है कि हर इंजाम का एक खास पी एच होता है एक पीएच होता है जिसके ऊपर वो मैक्सिम एक्टिविटी रखता है मैक्सीम एक्टिविटी या एफिशियंसी आप कह लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा एफिशियंसी And above and below, above or below that pH, enzyme activity will disturb. Enzyme activity will disturb. तो so, भाई हम लोग ये समझते हैं कि बेसिकली सबका मतलब क्या है कि एंजाम के खास ऑप्टिमम पीएच होता है और उस पीएच के ऊपर वो मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब कि मैक्सिमम एक्टिविटी रखता है और अगर हम लोग वो पीएच चेंज करते हैं या तो कम करते हैं या तो ज्यादा करते हैं दोनों केस के अंदर उसकी जो एक्टिविटी होती है वो खराब हो जाती है वो उतना एफिशियंटी वर्क नहीं कर सकता देखिए एक बात नोट रखनी आपने कि आपके पास जो एंजाइम है एंजाइम ठीक है वो इट एक प्रोटीन है ना उसकी जो नेचर है ठीक है, so, यानी enzyme के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं because, uh, enzyme के अंदर बहुत सारे ऐसे होते होते हैं, हैं। जो कि आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यूरस्टैंडली पी एच किस तरह से इफेक्ट अपना करता है एसिडिक और बेसिक सो जब आप पीएच चेंज करते हैं इफ यू चेंज द पी ठीक है तो आपको पता है कि पीएच चेंज करने की वजह से जब आप पीएच चेंज करते हैं सो एसिड बेस आया तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं या तो प्रोटॉन डोनेट करते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप पीएच को किसी भी एसिड के पी के से इंक्रीज़ करते हैं व्हाट यू डू कि व्हेन द व्हेन पीएच इज़ ग्रेटर देन पी के तो उस वक्त आपके पास होती है किसी भी ग्रुप की यानी कि किसी भी एसिड की डी प्रोटोनेशन मतलब कि वो अपना प्रोटोन लूज़ कर देता है अपने हाइड्रोजन लूज कर देता है डी प्रोटोनेशन और अगर जो पी एच है इफ इट इज लेस देन पी के मतलब कि अगर पी एच को पीके से नीचे ले जाया जाए तो आपके पास एग्जैक्टली exactly प्रोटोनेशन हो जाती है प्रोटोनेशन और अगर ये दोनों हुई तो उससे आपको पता है कि अगर फॉर uh, एग्जाम्पल एक पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है ठीक है एक, एक आपके पास पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है जो कि एक नेगेटिव चार्ज से आयोनिक uh, इंट्रेक्शन कर रहा है किसी भी प्रोटीन के अंदर अगर आपने पीएच चेंज किया और उन दोनों की जो आयोनिक स्टेट है वो डिस्टर्ब हो गई और वो आयोनिक बॉन्ड टूट गया तो वो जो आपके पास प्रोटीन है वो डी नेचर हो जाएगा और अगर प्रोटीन डी नेचर हुआ उसकी अपनी कन्फर्मेशन रही नहीं तो क्या वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा और अगर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो उसकी एक्टिविटी के ऊपर

ऑफ अराउंड 1.2 से लेकर 2 तक इसके अलावा एक और इंजाम है विच इजेज इट वर्स ऑप्टीमली अराउंड एसेज की बात की जा रही अच्छा अब अगर एल्लाइन फोस्फेटेज की बात करें एल्कलाइन सॉरी फॉर द नॉइजटेज

द इफेक्ट ऑफ मॉड्यूलेट ऑन द एक्टिविटी ऑफ़ योर एंजाम सुबह बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मॉडूलेटर्स ऑन द एज़ाम एक्टिविटी सो इट्स वेरी सिम्पल आई थिंक आपको बहुत समझ आ जाना चाहिए मॉड्यूलेटर्स मीस ऐसी चीज़ें जो कि ऐसे केमिकल सबस्टांस जो कि एंज़ाम की एक्टिवटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं एक्टिवटर्स ऐसे सबस्टांस होते हैं जो कि एन्जैम का जो रेट है यानी जो उसकी एक्टिविटी है एक्जैक्टली सॉरी डी एक्स ओवर डी टी उसको एक्जैक्टली exactly इंक्रीज करते हैं एंड ऑन द अदर हैंड जो आपके इन्हेबिटर्स हैं वो उसी रेट को डिक्रीज करते हैं

कन्फर्मेशनल चेंज जब ये एक्टिवेटर्स और इनिबेटर्स किसी भी एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं तो वो उस एंजाइम की शेप को कुछ इस तरह से चेंज करते हैं कि वो सबस्ट्रेट के साथ सही से बाइंड नहीं कर सकता उन सब टाइम बाइंड कर लेता है लेकिन बाइंड करने के बाद भी वो जो अपनी एक्टिविटी है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाता बट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट के व्हाट्स द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड दट व्हाट्स द बेसिक फंडा बिहाइंड दिस इफेक्ट ऑफ मॉडुलेटर इज दिस कन्फर्मेशनल चेंज दैट इज इट विद दिस फैक्टर इफेक्टिंग ऑन एजाम एक्टिविटी आई होप्स के आपको ये वीडियो समझ आई होगी इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है अपना बहुत सारा ख्याल रखें थैंक यू सो मच वॉचिंग टेक यर सेल्फ गुड बाय